दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो देश एक नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इसे पहाड़ों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं तो ये जगह परफेक्ट होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी वाइन मिलती है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले यहाँ पर वाइन बनाई गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश अपने मेहमानों का स्वागत एक खास अंदाज में करता है। सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के साथ ये देश बहुत ही है खास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश की सैर पर जिसका नाम है जॉर्जिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। दोस्तों जॉर्जिया का कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में है। दोस्तों जॉर्जिया की सीमा उत्तर में रूस, पूर्व में अजरबैजान से और दक्षिण में आर्मेनिया से और तुर्की से मिलती है। जॉर्जिया का थोड़ा सा हिस्सा कॉकेशन की पहाड़ियों में पड़ता है। इन पहाड़ियों के एक तरफ का हिस्सा एशिया में है और दूसरी तरफ का हिस्सा यूरोप में है। हालांकि जॉर्जिया का अधिकतर हिस्सा एशिया में ही है और इसे एशियाई देश ही माना जाता है। दोस्तों ये देश 69,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। आबादी की बात करें तो लगभग 3.7 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों जॉर्जिया एक पहाड़ी देश है। इतना ही नहीं बल्कि कई कस्बे पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। बोचोरा और अशुगुली गांव यूरोप में सबसे अधिक स्थायी रूप से बसे हुए गांव माने जाते हैं। ये समुद्र तल से 2345 और 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों यदि आप जॉर्जिया में यात्रा करते हैं तो सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, सेमी डेजर्ट बट ऑल्सो अ हाई माउंटेन क्लाइमेट आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम वहीं ये देश खेती के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 49 तरह की सॉइल मिलेंगी। जॉर्जिया का 40% से अधिक भाग वन से घिरा है। बायोडायवर्सिटी के मामले में ये देश दुनिया के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। दोस्तों जॉर्जिया अपने पहाड़ों के लिए जाना जाता है। देश की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं बड़े और छोटे काकेशियन पर्वतों से बनी हैं। जॉर्जिया का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र तल से 5201 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रैकिंग होती है। दोस्तों जॉर्जिया हिस्टोरिकल रूप से ग्रीक और फारसी कल्चर से काफी इफेक्टिव है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इट्स इवन हैज इट्स ओन अल्फाबेट विद 33 लेटर्स। यदि आप पहले जॉर्जिया गए हैं तो आप शायद जानते होंगे कि स्थानीय लोग कितने मिलनसार हैं। यहाँ के कल्चर में मेहमानों को भगवान का उपहार माना जाता है। यही कारण है कि जॉर्जिया उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है जैसे कोई अपने भगवान के साथ करता है। दोस्तों जॉर्जिया में ग्रेप्स यानी कि अंगूर की 500 से ज्यादा किस्में हैं और ये दुनिया की अंगूर की किस्मों का लगभग 1/4 हिस्सा है। पृथ्वी की कई नई प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी खास जगह है जिसके लिए जॉर्जिया जाना जाता है। ग्रूफर की गुफा दुनिया की सबसे गहरी गुफा है, जिसे कौवे की गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा को भूमिगत एवरेस्ट भी कहा जाता है। आपको पता है 2191 मीटर की गहराई तक शोधकर्ताओं ने जांच की है। रिसर्चर्स आज भी यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। माना जाता है कि गुफा बहुत गहरी है और आपको पता है इसकी गहराई का पता लगाने में कितने लोग जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इसके नीचे झरने, झील और एक बड़ा हॉल है। दोस्तों जॉर्जिया को वाइन का जन्मदाता कहा जाता है और इसके जन्म के पीछे यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का काला सागर जिम्मेदार है। यहाँ की हवाएं इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्या आप जानते हैं वाइन बनाने की परंपरा यहाँ बहुत डिफरेंट है। जॉर्जिया में वाइन बनाने की परंपरा 8000 साल से अधिक पुरानी है। दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीके से लोग वाइन बनाते हैं यहाँ पर। एक मिट्टी के बर्तन में अंगूर का रस डालते हैं और ठंड के महीनों के दौरान उन्हें जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और इस तरह शराब अपने आप बनती रहती है और कई महीनों के बाद उसे बाहर निकालते हैं और यूज करते हैं। अगर आप इस देश में जाते हैं तो वाइन जरूर टेस्ट कीजिएगा। सीरियसली बहुत यूनिक प्रोसेस और यूनिक वाइन मिलेगी आपको। इतना ही नहीं, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है दोस्तों। गैल्टी मठ के नाम से जाना जाने वाला प्रभावशाली कैथेड्रल परिसर यहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। मत्स्य खेता का प्राचीन शहर और पूर्व राजधानी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उत्तरी 780 का पहाड़ी क्षेत्र सूची में शामिल किया गया है। बेहतरीन जगहों की सैर आप कर सकते हैं। जॉर्जिया लोग दोस्तों 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, ना कि 25 दिसंबर को। यहाँ पर छुट्टी 7 जनवरी को होती है।
दोस्तों दरअसल यहाँ पर जूलियन कैलेंडर को लोग फॉलो करते हैं और ऐसे में क्रिसमस 25 दिसंबर के बजाय 7 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों जॉर्जिया में आपको इतिहास, संस्कृति, खूबसूरत जगह, मठ, मंदिर, पहाड़ सब कुछ मिलेंगे। इसी के साथ ये देश अपनी संस्कृति और रीति रिवाज और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। इस देश में जाने वाले लोग यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले एक्सप्लोर कीजिएगा तिबिलिसी। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर तो है ही दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 1/3 आबादी का घर भी है ये। जॉर्जिया में यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप तिबिलिसी को एक्सप्लोर ना कर ले। बहुत सारी अद्भुत चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। पुराने शहर और उसके रोमन, फारसी, बिजांटिक, अरब और सोवियत काल के अवशेष। इसी के साथ चर्च, मस्जिद, स्नान घर और किले जो कि इस देश की संस्कृति को बताएंगे। काफी सुरक्षित है ये जगह। स्थानीय लोगों के साथ शहर को एक्सप्लोर करना काफी आसान हो जाता है। इतिहास के साथ साथ यहाँ पर आधुनिकता भी आपको नजर आएगी। फ्रीडम स्क्वायर, रुस्त वैली एवेन्यू और पीस ब्रिज आप देख सकते हैं। पार्कों और बाजारों में घूम सकते हैं, केबल कार का आनंद ले सकते हैं, साथ ही लोकल रेस्टोरेंट में कुछ खास खा सकते हैं, यहाँ की वाइन को टेस्ट कर सकते हैं और कचपुरी और खिनकली का आनंद ले सकते हैं जो यहाँ का लोकल फूड है। इसी के साथ दोस्तों आप कुटेसी भी जा सकते हैं। कुटेसी देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। ये तिबिलिसी और बटूमी के बीच में है। राजधानी से सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव पर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शहर ट्रेन और बस से भी जुड़ा है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों कुटेसी 150,000 निवासियों का घर है। दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से ये एक है। दोस्तों यहाँ पर आपको खूबसूरती नजर आएगी चारों तरफ। घुमावदार गलियां, 8-9वीं इमारतें, ग्रीन बाजार और बुगाटी कैथेड्रल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी आपको यहाँ मिलेंगे। सोवियत काल के कुटेसी अवशेषों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ये देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ खास इमारतें भी देखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये है बटूमी। बटूमी काला सागर के किनारे एक आधुनिक रिजॉर्ट शहर है। कुछ एडवेंचरस और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं और कुछ बेहतरीन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ आइए। दोस्तों यहाँ पर आपको काली रेत वाले समुद्र तट, शानदार रेस्टोरेंट्स और बेहतरीन रोशनी से नहाए कैसीनो नजर आएंगे। आप यहाँ पर एक रंगीन शाम बिता सकते हैं। अल्फावेट टावर, ग्लास बिल्डिंग जो कि मैकडॉनल्ड्स की मेजबानी करती है, इसलिए ये शहर आपका वेलकम करता है। यहाँ पर आपको बाजार, 8-9वीं वास्तुकला, लोटोजेम मस्जिद, केबल कार और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है मत्स्खेता। मत्स्खेता जॉर्जिया चर्च में वेटिकन के समकक्ष है, ठीक वैसे ही जैसे अर्मेनियाई चर्च में आप एक्सप्लोर करते हैं। वैसे दोस्तों ये देश की एक स्पिरिचुअल कैपिटल है। इसी के साथ प्राचीन काल से इसका रिश्ता खास है। जो चीज इस शहर को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है ये जगह। तिबिलिसी से 35 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ कई चर्चेस और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपको मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।